वीडियो होने वाली है, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगी तो वो हमारी वर्कआउट वीडियो होगी शोल्डर। सो गाइज, ये जो दो वीडियोज आने वाली है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आपका शोल्डर अच्छी तरह से डेवलप नहीं है प्रॉपर राउंड वर्कआउट के बाद, आपका शोल्डर अच्छी तरह से राउंड और प्रॉपर मास हो जाएगा, उन पर प्रॉपर ब्रॉड हो जाएंगे। पर इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, तो आपके रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि दो जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें शोल्डर में होने क्या वाला है। एक दिन हम शोल्डर पे, उसके साइज पे, उसके इंडोरेंस पे, उसके मास पे काम करने वाले हैं, उसके हिसाब से रैप रेंज ऊपर नीचे होंगे। और एक दिन हम उसकी डेफिनेशन, उसकी कटिंग पे काम करने वाले हैं ताकि वो प्रॉपर अच्छी तरह से राउंड दिखे। सो ये दो दिन बड़े ही ज़बरदस्त होने वाले हैं आपके पूरे वीक में, जिससे क्या आप कहोगे कि हमारे शोल्डर डेवलप होने लग गए धीरे धीरे। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। सो गाइस, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि शोल्डर से रिलेटेड होने वाला है। सो मैंने कैसे अपने शोल्डर ब्रॉड करे और कैसे उन पे मसल मास लाया और कैसे उनको प्रॉपर राउंड करा, तो ये सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गाइस, सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन हम आगे शेयर करने वाले हैं और आप ही की तरह गाइस। तो एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मोटिवेशन बना रहे। गाइस, हर बंदे का ड्रीम होता है जिम में जाता है कोई कि उसके शोल्डर ब्रॉड दिखे और राउंड दिखे। तो मेरा भी सपना था कि मेरे शोल्डर एकदम ब्रॉड हो, राउंड हो, ताकि मैं भी एक एस्थेटिक लुक रखूं अपनी, ताकि मैं ब्रॉड दिखूं, कपड़ों में अच्छा दिखूं और जिम में भी अच्छा दिखूं। हाँ, पर मैंने इसके ऊपर काम करा काफ़ी, अपने शोल्डर को ब्रॉड करने के लिए, राउंड करने के लिए। तो मैंने क्या करा मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इसमें, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स बताऊंगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। कुछ बड़ी मिस्टेक्स हैं, कुछ छोटी मिस्टेक हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको पहले बताता हूँ मिस्टेक नंबर वन मैंने जो करी है। गाइस, हमारे शोल्डर के तीन हेड होते हैं, फ्रंट साइड और रियर हेड। तो जल्दी मैं मिस्टेक क्या करता था, मैं इन दोनों हेड के ऊपर ही फोकस करता रहता था, इसको इग्नोर करता था। और अगर आपको एक प्रॉपर राउंड शोल्डर चाहिए तो आपका रियर हेड भी उतना ही डेवलप होना चाहिए जितना आपका फ्रंट और साइड हेड है, तभी आपका शोल्डर एकदम राउंड लगेगा और एकदम गोल, जिसे हम कहते हैं कि भाई परफेक्ट शोल्डर है, एस्थेटिक है एकदम। तो तभी लगेगा अगर आपका रियर प्रॉपर अच्छी तरह से डेवलप है, ट्रेंड है, प्रॉपर राउंडनेस में है। गाइस, जनरली हमारे जो फ्रंट और साइड है ये तो वैसे ही ओवर डेवलप हो जाते हैं जब भी हम कोई बेंच लगाते हैं या बैक लगाते हैं, तो पुशअप्स लगाते हैं, तो इनमें वैसे ही हमारा फ्रंट और साइड ओवर ट्रेंड हो जाते हैं, पर हम इसको उतना ट्रेंड नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है यहाँ से। और जनरली मेरा भी थोड़ा सा हुआ था कि मेरे ये ज़्यादा ओवर डेवलप थे और ये डेवलप ही नहीं था उतना, तो प्रॉपर राउंडनेस नहीं थी इस पर। तो मैंने ये मिस्टेक करी थी कि इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस देना, रियर को बिल्कुल इग्नोर करता था मैं, नहीं जितना इन दोनों को करा मैं उतना इसके ऊपर फोकस नहीं करता था। तो मिस्टेक नंबर वन मेरी ये थी कि रियर को इग्नोर करना। मिस्टेक नंबर टू गाइस मेरी ये थी, जो मेरे को लगता है मैं ही ये गलती करता हूँगा, पता नहीं वो आप लोग भी करते होंगे, मैं शोल्डर को रोज ट्रेंड करता रहता था। मतलब कि अगर आज मैंने शोल्डर का एक अच्छा वर्कआउट कर लिया, तो अगले दिन मैं आता था तो शोल्डर की थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज लगाता था, वार्म अप करता था ताकि पंप मिल जाए शोल्डर का, उसके बाद अपना जो भी मसल ग्रुप मेरे को ट्रेंड करना होता था मैं उसे करता था, अगले दिन फिर यही रिपीट करता था। मतलब 36 से 48 घंटे की रेस्ट चाहिए होती है एक मसल को प्रॉपर अच्छी तरह से रिकवर और उसको अच्छी तरह से उसके मसल फाइबर जो ब्रेक हुए हैं वो अच्छी तरह से रिपेयर हो जाएं, तो ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो। पर मैं यही गलती करता था कि उनको रिकवरी पे नहीं हराने देता था, उनको रेस्ट नहीं देता था, तो जिसलिए मेरे को इससे नुकसान हुआ है। मेरे शोल्डर एकदम से पतले हो गए थे काफ़ी, तो मसल लॉस भी हो गया था मेरे इसमें काफ़ी, क्योंकि रोज़ रोज़ उसी मसल को ट्रेन करते जाना, उसको रिकवरी नहीं देनी, रेस्ट नहीं देनी, तो ये एक मिस्टेक मैंने करी। थर्ड मिस्टेक मेरी गाइस ये है कि मैं ओवर ट्रेन करता था, ओवर ट्रेन नहीं मतलब ओवर वेट मारता था। मेरे को माइंड मसल कनेक्शन का बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने उठाया डंबल लगाया रख दिया, उठाया डंबल लगाया रख दिया, तो ये एक मिस्टेक थी। अगर आप 5 किलो लगा रहे हो, अगर आप 50 किलो लगा रहे हो, अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन प्रॉपर है, 5 किलो में भी उतना ही हो जाएगा और 50 किलो में भी उतना ही मसल फिट हो जाएगा। सो एक शोर ये भी है कि आप माइंड मसल कनेक्शन प्रॉपर बनाओ। और मिस्टेक नंबर फोर, जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी थी, कि अपने शोल्डर को एक बार ट्रेंड करना हफ्ते में। अगर आप एक नेचुरल एथलीट हो तो आपको कम से कम अपने हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेंड करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी कोई भी मसल हम ट्रेन करते हैं तो उसे कम से कम 36 से 48 घंटे लगते हैं रिकवर होने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक और मौका होता है कि हम उसे दोबारा ट्रेन कर सकें। 36 से 48 घंटे के बाद आपका मसल अच्छी तरह से रिपेयर हो जाएगा, जिससे आप उसे दोबारा डेवलप कर सकते हो अच्छे तरीके से। और इससे क्या होगा, आपका मसल जल्दी डेवलप होगा और आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और एक एस्थेटिक
पोस्टर स्ट्रक्चर है जो आप अपना पा सकोगे। तो ये भी एक मेरी मिस्टेक्स थी। दो वीडियोस जो आने वाली हैं इसके बाद आपके शोल्डर 100% डेवलप हो जाएंगे। सो बने रहना चैनल पे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी अवेलेबल, बी पीस।